पूरे देश में एक ही नारा है कि इस बार बीजेपी को 400 पार लाना है, लेकिन महाराष्ट्र में पालघर जिले में सबकी नज़र टिकी हुई थी और पालघर जिले से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर हेमंत सावरा को टिकट मिला और वो खड़े हो गए। आज माता जी का आशीर्वाद लेके, निजानी माँ का दर्शन करके उन्होंने शुरुआत कर दी है अपने प्रचार की। तमाम आशाएँ हैं, तमाम उम्मीद है और उससे चर्चा करेंगे कि पालघर जिले में जीत के आने के बाद यहाँ के लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, जीतने के बाद कौन सी समस्या खत्म करेंगे और उनकी रणनीति क्या रहेगी, उनकी राजनीति क्या रहेगी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज आपने आशीर्वाद लिया जीवानी माता का और आपने शुरुआत कर दिया, शंखनाद हो गया। बिल्कुल। अब क्या? शंखनाद तो हो चुका है और जैसे हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके मन में विकास का संकल्प है। उन्होंने खुद कहा है कि ये आने वाले जो 10 साल गुजर चुके हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली विकास तो अभी होना बाकी है। और उस हिसाब से उन्होंने अगले 25 साल के लिए विकसित भारत संकल्प का ऐलान किया है और उस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी योजनाएं 10 साल में हुई हैं, उसके काफ़ी सारे लाभार्थी भी हैं, लाखों करोड़ों लाभार्थी हैं। उनमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं वहाँ तक जा चुके हैं, उनको एक जानिब करके दिया है कि ये सब जो योजना है मोदी सरकार की तरफ से मिली है। और आज जो माता का दर्शन लेने के बाद हमने तुरंत रैली ली, उस वो रैली में हमारे पालक मंत्री रविंद्र चौहान थे और महायुति के सब जो गठबंधन के जो प्रमुख पदाधिकारी वो भी थे। और उनके साथ में ये रैली होने के बाद मैं जरूर कह सकता हूँ कि यह रैली बहुत ही ज़ोरदार जोर शोर से उत्फूर्त से पूरी हुई और जनता का आशीर्वाद जो वो बिल्कुल हमें मिल रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ महायुति का उम्मीदवार बिल्कुल जीत जाएगा। पालघर लोकसभा से इस बार महाविकास अघाड़ी से भारतीय कामनी खड़ी हुई हैं, जिजाऊ फाउंडेशन से कल्पेश भंवर खड़े हुए हैं और बहुजन विकास अघाड़ी से राजेश पाटिल और आप खड़े हुए हैं बीजेपी से, तो ये सभी लोग आदिवासी समाज के आदिवासी सीट हैं। लेकिन इस बार जो आदिवासी समाज है, जो आगरी समाज जो यहाँ के लोग हैं, वो किसे वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि इस बार आपका टक्कर किससे होगा? महाविकास अघाड़ी से होगा या फिर बहुजन विकास अघाड़ी से होगा? हमारा टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे मोदी जी जिन्हें जो काम किया है, जो विकास का काम किया है, इसलिए सब जैसे सभी जाति धर्म के लोगों के साथ, जैसे अपना पालघर जो है आदिवासी क्षेत्र आता है तो आदिवासी वासियों के लिए काफ़ी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। जैसे राशन, मुफ्त राशन देना है और जैसे नए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल 400 अभी बना रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी करके वो 700 बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आदिवासी समाज की जो महिला, उसको ये देश का सर्वोच्च स्थान दिया है राष्ट्रपति बनाकर, तो आदिवासी समाज उन सब मोदी जी का कृतज्ञ है कि आदिवासी समाज के महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। आदिवासी समाज के हमारे जो बिरसा मुंडा है, भगवान बिरसा मुंडा, उनका जो जन्मदिन है वो जन्मदिन भी उन्होंने जनजाति गौरव दिन के नाम पे मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में तय किया है और वो मनाना शुरू हुआ है। और ऐसे जैसे आदिवासी हो, आगरी हो, मच्छीमार कोली हो, सब जाति धर्म के लिए, सब के लिए उन्होंने जो योजना है वो लाई है। आयुष्मान भारत अब देख सकते हैं, वहाँ सिर्फ पिछड़े हुए लोगों के लिए थी, लेकिन अभी 70 साल के ऊपर जो भी रहेंगे उन सबको वो आयुष्मान कार्ड योजना मिलने वाले है। और ऐसे अनेक योजना जो है वो सब जाति धर्म पिछड़े वर्गों के लाई है और वो सब लाभ ले रहे हैं, ले चुके हैं। और इसलिए मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि सब जनता मोदी के साथ है, विकास के साथ है। सर, पिलार में एक गांव है डांगेपाड़ा, जहाँ पे हजारों की तादाद में आदिवासी समाज ने इस बार वोट नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि कई सालों से कई समस्याएं हैं वहाँ पे। जीत के आने के बाद जो पुराने माजी खासदार थे राजन गावित कभी नहीं गए, उनकी शिकायतें कई है, इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप उस इलाके में जीत करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं वहाँ जाऊँगा, सब आदिवासी मेरे भाई बहन हैं, उनको मैं समझाऊंगा और जो कुछ उनकी गलत फहमियाँ रहेंगी वो हम दूर करेंगे। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो विकास के साथ आएंगे, मोदी जी के साथ है आएंगे और हमारे साथ आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप जीत के आने के बाद पालघर ज़िले में वो कौन सा पहला काम है जिसे आप करना चाहेंगे? मैं पहला कदम तो ये रखने वाला हूँ कि ये सब आरोग्य व्यवस्था है जो अभी धीमी गति से चल रही है वो बिल्कुल अच्छे गति से चले, इसलिए मैं कदम उठाऊँगा।
शंखनाद हो चुका है और पालघर में सभी पक्ष के नेता उम्मीदवार जो है अपने अपने प्रचार में जुट चुके हैं। आने वाले वक्त में ये मालूम पड़ जाएगा कि पालघर की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। 20 तारीख को चुनाव और 4 जून को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। देखना ये होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतती है, महाविकास अघाड़ी या बहुजन विकास अघाड़ी या कोई अन्य।